अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज अम्मी बना रही हैं दाल गोश्त, दाल चा। हाँ, तो अम्मी बताएंगी कि अम्मी क्या बना, क्या क्या चीज़ें डालेंगी इसमें, बताएं अम्मी। ये देखो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इतनी खुशियाँ भी सबने मनाई पूरी की, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, आमीन। अब मैं आज बना रही हूँ दाल चा। तो देखिए, मैंने दाल को उबाल के इसमें मैंने 2 पीस दालचीनी के डाले थे और 5-6 काली मिर्चें, 3-4 लौंग और 2-3-4 छोटी इलायचियाँ, बादियाँ, ये डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया। और जीरा। हाँ, जीरा। तो फिर ये जब और दाल गल गई तो मैंने इसे पीस लिया है। सही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये देखें, हरी मिर्चें, धनिया और टमाटर। अच्छा, ये कौन सी दाल ली थी आपने? ये चने की दाल। चने की दाल ली। ये चने की दाल का ही बनता है। सही। और जब मैंने दाल उबल गई तो उसमें से एक प्यारी मैंने निकाल ली है, वो मैं चावल में शामिल करूंगी। ये प्यारी। और जब दाल उबलने के बाद इसको फिर आपने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था ना? ग्राइंड कर ले, सिल बच्चे पे पीस ले, जैसी आपकी सहूलत है, चमचे से इसको वो कर ले, घोट ले उसको। अब इसमें मैं ये शामिल करूंगी, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और ये गरम मसाला, पिसा हुआ। ये सब हंसबे जाएगा ना? जिस जैसा आपके यहाँ तेज खाना पसंद करें, इस हिसाब से कुटी मिर्चें डाल दें। आधी चम्मच मैंने इसमें टीस्पून हल्दी के शामिल किए हैं और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें भी जो मैंने गरम मसाले शामिल किए थे वो मैंने निकाल के फेंके नहीं है, बल्कि वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे। ये जरा इसमें जोश आ जाए, फिर मैं इसमें गोश्त, ये मैंने गोश्त का कोरमा बना लिया था। सही है। हड्डी और चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए, तो आधे इसमें गोश्त निकाल के मैंने ये जैसे हरी में हम रेशा करते हैं, रेशा कर लिया है। ठीक है, इसमें ये जरा जोश आ जाए तो भी हाँ। ये सालन डालेंगे। हाँ, ये सालन डालूंगी और रेशा क्या है वो भी डालूंगी। सही। ये बहुत ही मजे का बनता है। सालन वो ही बनाने ना जो भुना हुआ हम बनाते हैं, भुना हुआ गोश्त बनाते हैं। हाँ, वो ही बना है, बस गलाना है। ज्यादा जैसे हलीम का गोश्त हम गलाते हैं ना, इसमें मैंने 2 लहसुन गज्जे की प्याज डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चीजें डाल के और नमक, हाँ टमाटर डाल के मैंने चढ़ा दिया था। फिर इसमें पीसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। रेसिपी भी इतनी आसान है लेकिन ये के बहुत मजे की बनती है। गोश्त इसमें चर्बी वाला होना चाहिए और हड्डी वाला, अच्छा गोश्त होना चाहिए। चले, दाल में गोश्त, वो दाल में जोश आता है तो फिर हम बताते हैं आपको। देखिए, दाल में जोश आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी भुना हुआ गोश्त का रेशा। और थोड़ा इसका मसाला भी डाल देंगे, रोगन भी हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए, और कुछ साबित गोश्त भी डाल देंगे, गोश्त भी डाल देंगे। Thank you.
ये देखिए कितना अच्छी दाल बनी है, ये बहुत मज़े की बनती है, इतनी अच्छी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये हमारी खास डिश है और अक्सर जुमे वाले दिन हमारे यहाँ ये बनती है। हमारी अम्मी और सास के ज़माने में तो इसके साथ मीठे गुड़ वाले चावल भी, खासकर बरसात का मौसम होता था तो ये दाल गोश्त वाली दाल सफ़ेद चावल भी बनते थे और गुड़ वाले मीठे चावल भी। जब भी आपने आज बनाया ये, हाँ और ये गोश्त खाकर के बकरीद में टंडी आ जाते हैं तो आज घर में सब मौजूद है। हाँ सही बात है, नहीं फरमाए इसकी कमी आप ये दाल चाय बनाया, ये अलग डिश हो जाती है बिल्कुल। अब देखिए इसे धीरा धीरा हम पकने देंगे फिर इसमें बघार डाल के, तो इतनी अच्छी लगेगी ये दाल का बघार हो रहा है। इसमें हमने तेल शामिल किया है और प्याज है, गोल मिर्ची है, मैं बघार की, जीरा और करी पत्ते। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारी दाल तैयार। लेकिन दाल कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू भी कितनी आ रही है माशाल्लाह से। ये दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है, खासकर ये ओखाई मेहमान बिरादरी है ना हमारी, तो उनके अभी तो खैर अब भी वो रखते हैं अपनी शादी ब्याह की डिशों में ये, वरना उनके शादी में भी होती है। शादी में हमारे बचपन में हम जाते थे ना, अबू के दोस्त थे, अम्मी की थी दोस्त, तो उनके शादी ब्याह में दावतों में जाते थे, खाला दर में रहते थे ना हमारे अबू, तो उनके ये दाल चा पकौड़े मछली फ्राई तो इतना अच्छा कि आजकल की 10 डिशें भी रख दें इससे भारी होती है। ये देखें दाल कितनी अच्छी बनी है, ये दाल गाढ़ी होती है वाकई में, ये दाल बहुत मज़े की बनती है। ये ऐसी डिश है कि इसके आगे बिरयानी छोड़ के लोग भी खाते हैं। चलें भगार हो रहा है हमारा जब तक रेडी, फिर दिखाते हैं हम आपको। ये देखे बरसात तैयार है, अब इसको इसमें हम शामिल, बरसात का मौसम है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हम बारिश भी देखें कैसी हो रही है और तेज बारिश हो रही है, लाइट है नहीं और ये हमारी दाल की खुशबू रखी हुई है बारिश के साथ साथ, इतना अच्छा लग रहा है और ये देखें और जब खाएंगे तो मजा आ जाएगा। दाल बिल्कुल रेडी है हमारी, अब हम चावल रेडी करेंगे ना मम्मी। ये दाल तैयार हो गई, चलो चावल, अब हम चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसमें मैंने 1 किलो चावल है, 1 पाव के करीब तेल है, इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाले, दालचीनी, इबादिया, काली मिर्च और जीरा, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं डलती, ये गरम मसालों से बनते हैं चावल। चलें जी ये चावल का पानी डाल दिया अम्मी ने, नमक हो रहा, ये नमक शामिल करेंगे हम इसमें, चार से ज्यादा से ले लो, जैसे पानी में जोश आएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे, इसमें जोश आ गया है और इसमें अब हमने ये शामिल कर दिए चावल। चलो जी अम्मी ने पानी में चावल डाल दिए और अब इसे हम रख देंगे, किस पे रखेंगे, पकाने के लिए, हाँ पकाने के लिए, मेरा हाथ जल रहा क्योंकि ये चावल में जो हमने गरम मसाला शामिल किया है तो उसकी भी खुशबू इतनी आ रही है और ये दाल, हाँ दाल तो तैयार हो गई, देखिए
चलें जी, दाल तो मैं देख लूं क्योंकि मैं तो अभी आई हूं। तो ये देखें दाल कितनी मज़े की लग रही है, माशाल्लाह। आप लोग भी बनाएं और ट्राई कीजिएगा, बताएगा कैसी बनी थी। आज भाभी ने भी लोग बनाया था आधा, तो स्टार्ट से मैं तो अभी आई हूँ। चलें जी, चावल को दम पे रख दिया है, बनता है तो फिर दिखाते हैं। चलें जी, अब चावलों को दम पे रखेंगे और इसमें ये दाल शामिल कर ये अब हम इसे दम पे रख देंगे। चलो अपना अच्छी तल के रख देती हूँ घर में, ताकि इससे काम उसका हम प्याज कर देंगे। अच्छा अम्मी, ये प्याज तल के रख देती हैं, हम फ्रीज कर देते हैं और इससे काम में आसानी भी होती है। जब फारिक बैठे होते हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं आप देखें। चलें जी, अब इसे दम पे रख देंगे। अब ये कम से कम 5-10 मिनट का काम है, ये दम पे आ जाएंगे तो फिर हम खाएंगे। अच्छा, और ये भाभी मिर्चियाँ बना रही है, जिसकी रेसिपी हम इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे। तो ये मिर्चियाँ भी लाजमी बनाना, आप लोग बहुत मज़े की बनती है, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल डालेंगे। ये देखें दम पे आ गए, अब हम इसे कर देंगे मिक्स, चावल और ये सब मिक्स हो जाएंगे। तैयार देखिए, तैयार है। और आप लोग ज़रूर इसकी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह हाफिज़। ये दाल चावल और मिर्ची हैं, ये कितनी मज़े की लग रही है, आप सिर्फ देखें दाल चावल और मिर्चियाँ। तो आप लोग भी बनाना और बताना कैसे बने थे। चैनल अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।